नमस्कार दोस्तों, तो कल आपने प्रमिल कुमार जी ने लिखा हुआ गद्य आगरा की यात्रा, इस गद्य को पढ़ा ही है। तो आज हम इस गद्य के बारे में विस्तार से जानकारी देखने वाले हैं, मतलब इस गद्य का हम आज स्पष्टीकरण देखने वाले हैं। आपने इस गद्य में पढ़ा है कि आगरा यह एक ऐतिहासिक शहर है, इसमें ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो प्रमिल कुमार जी ने इस गद्य को किस प्रकार यहाँ पर हमें दर्शाने का प्रयास किया है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं इस गद्य में क्या है। हाँ, आपको भी क्या करना है, आपकी किताबें निकाल कर बैठना है, आपकी किताबें लेनी है हाथ में। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखिए, आगरा एक ऐतिहासिक नगर है, वह अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें ताजमहल विश्व विख्यात है। ताजमहल पता है ना सबको, ताजमहल है या नहीं, कहाँ है ताजमहल? हाँ, आगरा में है, बराबर है। हाँ, लाल किला कहाँ है? आगरा में है। देखो, आगरा की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने आगरा की संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत की है। आगरा में क्या क्या है, आगरा में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हाँ, कौन कौन सी विशेष इमारतें हैं, उसकी एक झांकी यहाँ पर, एक संक्षिप्त झांकी यहाँ पर हमें दिखाने का एक अच्छा सा प्रयास किया है। किसने किया है? प्रमिल कुमार जी ने। इस गद्य के लेखक कौन है? प्रमिल कुमार जी। हाँ, इन्होंने यहाँ पर एक अच्छा सा प्रयास किया है, तो इसे हम देखते हैं। देखो, यहाँ पर लेखक प्रमिल कुमार जी क्या बोल रहा है, देखो, हमारी क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली थी। कौन सी छुट्टियां होने वाली थी? क्रिसमस की। हाँ, जैसे कि हमारी अभी अभी दिवाली की जो छुट्टी थी वह छुट्टी समाप्त हो चुकी है, बराबर है। हाँ, देखो, हमारी क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली थी। मैं और मेरी छोटी बहन सौम्या बात कर रहे थे कि छुट्टियां किस प्रकार बिताई जाए। देखो, यहाँ पर लेखक प्रवीण कुमार जी और उनकी बहन का क्या नाम है? सौम्या। वे दो क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। किस विषय पर? कि क्रिसमस की छुट्टी के वक्त हम घूमने के लिए कहाँ जाएंगे, हाँ, किस प्रकार वह छुट्टियाँ हमें बितानी हैं, उसके बारे में वे दोनों क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे, संभाषण कर रहे थे। देखो, हमारी क्रिसमस की छुट्टियाँ होने वाली थी। मैं और छोटी बहन सौम्या बात कर रहे थे कि छुट्टियाँ किस प्रकार बिताई जाए। तभी पिताजी दफ्तर से लौटे और उन्होंने कहा, क्रिसमस की छुट्टियों में आगरा घूमने चलेंगे। हम दोनों उनकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़े। पिताजी बोले, तुम लोग अपनी तैयारी कर लो, हम 25 दिसंबर को आगरा चलेंगे, वहाँ एक मित्र के यहाँ ठहरेंगे। देखो, वे दोनों भाई बहन छुट्टियाँ कहाँ बिताएंगे, इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर कौन आए हैं? उनके पिताजी आए हैं। और पिताजी क्या बोले हैं कि हम क्रिसमस की छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? आगरा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आगरा घूमने जाएंगे और वहाँ पर हमारी छुट्टियाँ हम बिताएंगे। हाँ, और वहाँ हम कहाँ रहेंगे? एक मित्र के घर ठहरेंगे। कहाँ ठहरेंगे? एक मित्र के घर ठहरेंगे। किसके मित्र के घर? लेखक के पिताजी के मित्र के घर। देखो, 25 दिसंबर को हम सवाई माधोपुर में रेलगाड़ी द्वारा आगरा के लिए रवाना हुए। यहाँ पर लेखक बता रहा है, लेखक प्रमिल कुमार जी यहाँ पर बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को हम सवाई माधोपुर से रेलगाड़ी द्वारा आगरा के लिए रवाना हुए। कहाँ रवाना हुए हैं? आगरा के लिए, आगरा जा रहे हैं। मुझे रेलगाड़ी का सफ़र बहुत भाता है। लेखक कह रहा है कि मुझे रेलगाड़ी का सफ़र है वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भाता है, हाँ, मुझे उससे प्रसन्नता मिलती है। खिड़की से
बाहर के प्राकृतिक दृश्य आकर्षित करते हैं। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। जंगल, नदी, पहाड़, पुल, खेत और गांव मेरी आंखों के सामने से गुजरते जा रहे थे। देखो, जब दोस्तों आप यात्रा करते हैं, चाहे वह रेलगाड़ी की हो चाहे वह बस की हो, हाँ, जब आप यात्रा करते हैं तब समझो कि आप रेलगाड़ी में बैठे हैं और रेलगाड़ी जब दौड़ने लगती है, आगे जाना जब शुरू करती है, तब बाजू के जो पेड़ पौधे हैं या इमारतें हैं वो जैसे कि दौड़ रही है, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन सही रूप से देखा जाए तो क्या वे दौड़ते हैं क्या? नहीं, हमारी रेलगाड़ी या हम जिससे भी सफ़र करते हैं, हाँ, वह क्या हो जाता है, आगे आगे भागता जाता है, आगे दौड़ता है, आगे बढ़ता है। हाँ, देखो, मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। जंगल, नदी, पहाड़, पुल, खेत और गांव मेरी आंखों के सामने से गुजरते जा रहे थे। कहीं पक्षी उड़ रहे थे, कहीं गाय भैंसे चर रही थी, कहीं नलकूप से पानी निकल रहा था तो कहीं खेतों में स्त्री पुरुष काम कर रहे थे। मैं इन दृश्यों में से खो सा गया। सौम्या एक कॉमिक्स पढ़ने में मग्न थी। माँ पिताजी बातें कर रहे थे। देखो लेखक क्या बोल रहा है कि जब भी हमने यात्रा करना शुरू किया, मैं रेलगाड़ी में जब मैं बैठा था, मैं कहाँ बैठा था? खिड़की के पास बैठा था। कहाँ बैठा था मैं? खिड़की वाली सीट पर बैठा था। और वहाँ बैठकर मैं क्या देख रहा था? बाहर का दृश्य देख रहा था, प्राकृतिक सौंदर्य देख रहा था, हाँ, पेड़ पौधे देख रहा था, हाँ, कई पक्षी उड़ रहे थे देख रहा था, गाय भैंसे चर रहे हैं वह देख रहा था, हाँ, खेत देख रहा था, गांव देख रहा था, हाँ, देखो कई नलकूप से पानी निकल रहा था तो कई खेतों में स्त्री पुरुष काम कर रहे थे। मैं इन दृश्यों में खो सा गया। खो गया है लेखक इन सभी दृश्यों में, मतलब सोचने लगा है, सिर्फ उसमें ही खो गया है, हाँ, जैसे कि वह क्या कर रहा है, कुछ सपना देख रहा है, हाँ? देखो, रात्रि के लगभग 10 बजे हम आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे। देखो अब वे कहाँ गए हैं? आगरा फोर्ट पर गए हैं, हाँ? स्टेशन पर पहुंचे हैं। कौन? लेखक की बहन सौम्या और उनके माता पिता, हाँ? रात्रि के लगभग 10 बजे वे वहां पर पहुंचे हैं। रात्रि के लगभग 10 बजे हम आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे। हम अभी रेलगाड़ी से उतरे ही थे कि पिताजी के मित्र राजेंद्र जी हमें लेने प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचे। देखो, उनको लेने के लिए वहां पर कौन आया था प्लेटफॉर्म पर? पिताजी के मित्र, पिताजी के दोस्त। कौन? राजेंद्र जी। कौन आए हैं? राजेंद्र जी आए हैं। राजेंद्र जी हमें लेने प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचे। हमने भाड़े पर एक तांगा लिया और चल पड़े। रेलवे स्टेशन के सामने ही एक विशाल किला दिखाई दिया। देखो, जब वे तांगे में बैठकर जाने लगे तब रेलवे स्टेशन के सामने ही उनको क्या दिखाई दिया है? एक किला दिखाई दिया है, एक विशाल सा किला दिखाई दिया है, हाँ? पिताजी ने मुझे बताया यह लाल किला है। वह कौन सा किला था दोस्तों? लाल किला था। क्या आपने देखा है लाल किला? हाँ, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, हाँ? देखो, पिताजी ने मुझे बताया यह लाल किला है। तांगे की सवारी में बड़ा आनंद आ रहा था। पिताजी के मित्र राजेंद्र जी पिताजी और माँ से बातें कर रहे थे। वे मुझे रास्ते में आने वाले गली मोहल्लों और बाजारों के नाम भी बताते जाते थे। जब सड़क में कोई गड्ढा आता और तांगे का पहिया उसमें चला जाता तो बड़े जोर का हिचकोला लगता। देखो, तांगे से यात्रा कर रहे हैं, राजेंद्र जी के घर में जा रहे हैं तांगे से, हाँ, तांगे में बैठकर, और जब तांगे का एक पहिया गड्ढे में चला जाता है तब जोर से क्या लगता था? हिचकोला लगता था, हाँ? और जब हिचकोला लगता था
तब वह जो लेखक की जो बहन है सौम्या, वह डर कर अपने माँ को ऐसी पकड़ कर बैठती है। देखो, मुझे डर लगने लगता कि कहीं तांगा पलट न जाए। सौम्या डर से आंखें मींचती और माँ को कसकर पकड़ लेती। सबसे पहले बिजली घर चौराहा आया। इसके बाद तांगे ने मामू भांजा घाटिया की चढ़ाई पार की। फिर हम सदर भट्टी, नाई की मंडी, धाकरान चौराहा, सुभाष पार्क, नालबंद चौराहा और राजा मंडी बाजार होते हुए किदवई पार्क पहुंचे। आगरा फोर्ट से, मतलब रेलवे स्टेशन से उन्होंने यात्रा शुरू की है। कहाँ आने के लिए? राजेंद्र जी के घर में आने के लिए। हाँ, मतलब कहाँ? किदवई पार्क में। कहाँ? किदवई पार्क। राजेंद्र जी का घर कहाँ है? किदवई पार्क में है। हाँ, तब क्या क्या हुआ? हाँ, उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। किदवई पार्क में राजेंद्र जी का घर है। उनकी पत्नी अरुणा जी ने हमारा बहुत आदर सत्कार किया। मुझे और सौम्या को खूब स्नेह दिया। कौन बोल रहा है? प्रमिल कुमार जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? प्रमिल कुमार जी। कि राजेंद्र जी की जो पत्नी है, हाँ, उन्होंने हमें क्या दिया है? बहुत स्नेह दिया है, प्रेम दिया है। हाँ, अरुणा जी ने हमें बहुत स्नेह दिया है, हमसे प्यार पूर्ण बातें की है, प्रेम पूर्ण बातें की हैं। अरुणा जी ने हमें बहुत आदर सत्कार किया। मुझे और सम्या को खूब स्नेह दिया। वहाँ उनका पौत्र मितेन भी था। उनका पौत्र, किसका पौत्र? अरुणा जी का, मतलब राजेंद्र जी का। हाँ, राजेंद्र जी का मित्र है वहाँ पर, सॉरी, राजेंद्र जी का पौत्र है वहाँ पर, जिसका नाम है मितेन। उसका नाम क्या था? मितेन। हम कुछ ही देर में उसके साथ घुल मिल गए। सफर की थकान थी इसलिए कुछ देर बातें की और खा पी कर सो गए हैं। देखो, यात्रा की थकान होने के कारण उन्होंने क्या किया है? कुछ ही देर बातें की हैं, खाना खाया है और वे सब सो गए हैं। अब आगे देखो क्या हुआ है। हाँ, अब दूसरे दिन वे यात्रा करना शुरू करने वाले थे। देखो, अब उनकी यात्रा का पहला दिन। पहले दिन सवेरे हम लोग ताजमहल देखने के लिए निकले। देखो, पहले दिन सुबह वे कहाँ जा रहे हैं? ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं। पहले दिन सवेरे हम लोग ताजमहल देखने के लिए निकले। किदवई पार्क के पास स्थित सेंट जॉन्स चौराहे से हम लोग रिक्शे में बैठ गए। राजेंद्र जी ने रिक्शे वालों से कहा कि वे नूरी दरवाजा और फवारा होते हुए ताजमहल चले। कुछ ही देर में हम नूरी दरवाजा पहुंच गए। वहां पेटा, दालमोट, गजक और रेवड़ियों की दुकानें थी। देखो, ये सब मिठाइयों का नाम है, हा? जो बहुत स्वादिष्ट होती है। वहां पेठा, दालमोट, गजक और रेवड़ियों की दुकानें थी। कारीगर पेठा बना रहे थे। वहां हमने राजेंद्र जी की पहचान वाले एक पेठा कारखाने में गर्म गर्म स्वादिष्ट पेठा खाया। पंछी का प्रसिद्ध पेठा, दालमोट, गजक और रेवड़ियां खरीदी। यही वह घर भी देखा जहां सरदार भगत सिंह ने असेंबली में फेंकने के लिए बम बनाया था। देखो, किसने बम बनाया था? भगत सिंह ने। वह भी घर देखा है उन्होंने, हाँ, जहां पर भगत सिंह ने क्या बनाया था? बम बनाया था। बम मतलब बॉम्ब। फवारा होते हुए हम किनारी बाजार पहुंचे। इस बाजार को अकबर ने प्रारंभ करवाया था। किनारी बाजार आगरा का एक प्रसिद्ध बाजार है, जिसका आरंभ किसने करवाया था? अकबर ने, शहंशाह अकबर ने उसका प्रारंभ करवाया था। जमाना बदलने के साथ साथ यहाँ आधुनिक दुकानें और शोरूम खुल गए हैं। इस बाजार में बहुत चहल पहल थी। यहाँ से हम शाहजहां द्वारा निर्मित विशाल जामा मस्जिद, बिजली घर और लाल किले के सामने से
होते हुए पुरानी मंडी चौराहे पर पहुंचे। ताजमहल यहाँ से पास ही है, इसलिए हम रिक्शों से उतर गए। सामने एक शिल्पकला प्रदर्शनी लगी हुई थी। हम लोगों ने सोचा क्यों न पहले प्रदर्शनी देख ली जाए। सभी लोग प्रदर्शनी में पहुंच गए। बहुत विशाल प्रदर्शनी थी। देखो, वे ताजमहल देखने के लिए गए थे और जाते समय उन्होंने क्या क्या देखा है, जामा मस्जिद, बिजली घर, लाल किले के सामने से वे जा रहे थे, पुरानी मंडी चौराहे पर वे पहुंचे। ताजमहल यहाँ से पास ही था, पुरानी चौराहे मंडी बाजार जो था उससे ताजमहल पास ही था। और उसके भी पहले क्या लगा था, क्या लगी थी, एक प्रदर्शनी लगी थी, क्या लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी। और वो प्रदर्शनी कैसी थी, पत्थर से बनी हुई चीजें थी वहां पर। किससे बनी हुई, पत्थरों से बनी हुई चीजें थी, मतलब शिल्पकला। देखो, सामने एक शिल्पकला प्रदर्शनी लगी हुई थी। हम लोगों ने सोचा क्यों ना पहले प्रदर्शनी देख ली जाए। सभी लोग प्रदर्शनी में पहुंच गए। बहुत विशाल प्रदर्शनी थी, वहां संगमरमर और अन्य पत्थरों से बनी हुई तरह तरह की चीजें थी। ताजमहल के छोटे छोटे मॉडल काफी संख्या में थे। टेबल लैंप, सुराहिया, फूलदान और सजावट की ढेरों वस्तुएं वहां बिक रही थी। देखो, वह जो शिल्पकला जो प्रदर्शनी थी, उस प्रदर्शनी में क्या क्या था, ताजमहल के छोटे और बड़े मॉडल, उसके साथ साथ टेबल लैंप, फूलदान और सजावट की और ढेरों वस्तुएं वहां पर थी। अनेक देशी विदेशी पर्यटक प्रदर्शनी देख रहे थे। अनेक देशी विदेशी पर्यटक प्रदर्शनी देख रहे थे, चीजें खरीद रहे थे। एक दुकान पर रखे हुए ताजमहल को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। सौम्या ने चिल्लाकर कहा, भैया देखो ताजमहल। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ताजमहल का मॉडल है। देखो, जब वो प्रदर्शनी देख रहे थे, तब उस प्रदर्शनी में संगमरमर से बना हुआ ताजमहल का जो एक मॉडल था, उस मॉडल को देखकर लेखक की जो बहन है सौम्या, वह लेखक को बोल रही है, प्रमिल कुमार जी को बोल रहे कि भैया देखो, वह देखो ताजमहल। तब वह जो दुकानदार था, वह दुकानदार हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और वह कहने लगा कि यह ताजमहल नहीं है, यह ताजमहल का क्या है, एक मॉडल है। क्या है, मॉडल है। असली ताजमहल सा लग रहा था। उसी दुकान से मैंने ताजमहल का एक छोटा सा सुंदर मॉडल खरीदा। प्रदर्शनी देखने के बाद हम पुरानी मंडी में ही स्थित जनकवि नजीर अकबराबादी की मजार देखने गए। यहाँ शरदोत्सव के अवसर पर लोग मंच पर नजीर की रचनाओं का पाठ कर रहे थे। उनकी नज्म रिच का बच्चा सुनकर बहुत मजा आया। वही खोमचे वाले खड़े थे। मैंने और सौम्या ने एक खोमचे वाले से तिल के लड्डू खरीद कर खाए। राजेंद्र जी ने बताया कि वसंत पंचमी पर नजीर का जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नजीर का जन्मदिवस कब मनाया जाता है, वसंत पंचमी के दिन। कब मनाया जाता है, वसंत पंचमी के दिन। राजेंद्र जी ने बताया कि वसंत पंचमी पर नजीर का जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से शायर आते हैं, शेरो शायरी होती है, गाना बजाना होता है और मेला लगता है। कुछ देर नजीर की मजार पर रुककर हम लोग आगे बढ़ गए। ताजमहल निकट ही था। करीब 10 मिनट पैदल चलकर हम ताजमहल की टिकट खिड़की पर जा पहुंचे। देखो, अब इतना सब देखने के बाद, पेटा वगैरह खाने के बाद, अब वे कहाँ पहुंचे हैं,
ताजमहल के निकट पहुंचे हैं, ताजमहल के पास पहुंचे हैं। देखो ताजमहल निकट ही था, करीब 10 मिनट पैदल चलकर हम ताजमहल की टिकट खिड़की पर जा पहुंचे। टिकट लेकर ताजमहल के बगीचे में पहुंचे। सफेद संगमरमर से बना ताजमहल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। देखो ताजमहल का यहां पर वर्णन किया है, सफेद संगमरमर से बना ताजमहल सामने क्या कर रहा था, जैसे कि वह मुस्कुरा रहा है, हमें देखकर वह प्रसन्न हो गया है, हंस रहा है। सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे, सुंदर फूल खिल रहे थे। पौधों को काट काट कर मनोहरी रूप दे दिया गया था, पौधों को काट कर मनोहरी रूप, मनोहरी यानी मनोहरी मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, सुंदर लगने वाला, मन को भाने वाला, प्रसन्नता दिलाने वाला रूप किसका, पेड़ों का, पौधों का। सुंदर फूल खिल रहे थे, पौधों को काटकर मनोहरी रूप दे दिया गया था। फवारे चल रहे थे, बगीचे का दृश्य बहुत नयनाभिराम था। देश विदेश से आए हुए स्त्री पुरुष और बच्चे वहां घूम रहे थे और फोटो खींच रहे थे। पिताजी ने भी कैमरे से सबकी फोटो खींची। बगीचे में ताजमहल के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मानो मन की कोई मुराद पूरी हो गई हो। बहुत खुश हुई है कौन, सौम्या लेखक, उनके माता पिता बहुत खुश हुए हैं ताजमहल को देखते ही। ताजमहल को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि ताजमहल तो खुश है ही, लेकिन उसकी वजह से वे सभी लोग भी खुश हुए हैं, उन्हें प्रसन्नता मिली है। इसके बाद हम सीढ़ियां चढ़कर ताजमहल के मुख्य चबूतरे पर गए। वहां घूमकर चारों ओर से ताजमहल देखा, चारों कोनों पर बनी हुई ऊंची ऊंची मीनारें देखी। देखो ताजमहल का मॉडल आपने देखा है, ताजमहल की तस्वीर आपने देखी है, बीच में ताजमहल है और उसके बाजू में चार ऊंची ऊंची मीनारें हैं। इतने पास से ताजमहल को निहारना एक अनोखा अनुभव था। ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है, यमुना की लहरें ताजमहल की दीवार से टकरा रही थी। मैं लहरों को एक तक देखने लगा, ऐसा लग रहा था मानो ताजमहल यमुना में तैर रहा हो। देखो ताजमहल के बाजू में ही यमुना नदी बह रही थी। कौन सी नदी बह रही थी, यमुना नदी वहां पर है, अभी भी है, आज भी है। और वह दृश्य देखते समय ऐसा लगता है कि उस यमुना नदी में ताजमहल तैर रहा है, क्या कर रहा है, तैर रहा है, ऐसा लगता है। वह दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, मनोहरी लगता है, वह दृश्य मन मोह लेता है। और ये सारा दृश्य देखकर ये सभी लोग बहुत ही खुश हुए हैं और उन्हें प्रसन्नता मिली है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आज हम रुकते हैं और आगे का जो बचा हुआ हिस्सा है वह हम अगली तासिका को देखते हैं। धन्यवाद।